सुना है बाजार में कुछ नई किताबें आई हैं आदतों के ऊपर. आई थिंक लाइफ की सिचुएशंस में दिमाग में कुछ ना कुछ आता ही रहता है, तो आई जस्ट ट्राई टू जॉट इट डाउन. एंड मैं थोड़े दिन पहले एक किताब पढ़ रही थी, पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स. यू नो इट इज़ हाउ यू कैन चेंज योर हैबिट्स. तो मैंने उसको लव के कॉन्टेक्स्ट में लिखा कि सुना है बाजार में कुछ नई किताबें आई हैं आदतों के ऊपर, कि आप कैसे अपनी आदतें बदल सकते हैं, कुछ पुरानी आदतों को पीछे छोड़कर नई आदतें बना सकते हैं. पर क्या वो ये जानते हैं कि अगर कोई इंसान ही आपकी आदत बन जाए तो उसे कैसे बदला जाता है. तो अभी वामसी ने सिचुएशनशिप के बारे में मेंशन किया, तो मैं बहुत लोगों से सुनती हूँ, आजकल ये नया टर्म आया है सिचुएशनशिप. रिलेशनशिप से हम सिचुएशनशिप पे चले गए हैं. एंड अगेन आई हैव रिटन इट फ्रॉम अ गर्ल्स पर्सपेक्टिव, स्पेशली अ गर्ल हु इज़ एन ओवर थिंकर. मैं अपनी ख्यालों की दुनिया में एक्सट्रीम एंड तक पहुँच जाती हूँ सोचते सोचते. तो मैं हर बार सोचती हूँ कि अब प्यार नहीं करूँगी. अपने आप को किसी पर जानिसार नहीं करूँगी. पर जैसे अब तो मुझे नाकाम होने की आदत सी हो गई है, क्योंकि झूठ होगा ये कहना कि मैं सोचती नहीं हूँ. हाँ मैं सोचती हूँ कि जैसे मैं दिन भर में तेरी एक कॉल का इंतज़ार करती हूँ, क्या तू भी करता होगा? जैसे मैं अकेले में तेरे बारे में सोचकर मुस्कुराती रहती हूँ, क्या तू भी सोचता होगा? जैसे मैं आने वाले उस कल में जहाँ मैं और तू नहीं हम होंगे कि सपने सजाती हूँ, क्या तू भी सजाता होगा? दिल तो कहता है कि तुझसे अपने मन के ख्याल बयान कर दूँ, पर फिर ये सोचकर कतराती हूँ कि तू समझेगा या बस ये कहकर चला जाएगा कि तुम सोचती बहुत हो. हाँ मैं सोचती हूँ, क्योंकि तेरे साथ होने का एहसास समुंदर में उठी लहरों जैसा है. एक दिन तो ऐसे लगता है कि मैं तेरे लिए सबसे खास हूँ, और अगले ही दिन तो मुझे एक अजनबी होने का एहसास दिलाता है. एक दिन हम आने वाले कल के बारे में ऐसे बात करते हैं कि जैसे ये सब होने ही वाला है, और अगले ही दिन मैं अपने आप को तेरे आज में भी नहीं ढूंढ पाती हूँ. मैं नहीं जानती ये मेरे मन का डर है या हकीकत, बस जानती हूँ तो इतना कि मन में उठा ये सवालों का बवंडर मुझे बहुत परेशान करता है. अगर इस बार भी मेरी मोहब्बत की कहानी का आखिरी पन्ना अधूरा रह गया, तो मैं ज़र्रा ज़र्रा टूट जाऊँगी और शायद इस टूटे दिल के हिस्सों को समेट भी नहीं पाऊँगी. हाँ मैं सोचती बहुत हूँ. थैंक यू. एक लास्ट है, आई थिंक एज यू मैच्योर आप बहुत सारे लोगों को मिलते हो, आपका पर्सपेक्टिव बदलना शुरू हो जाता है ऑन व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू नो डू यू वांट इन योर लाइफ. तो मैं अपनी फ्रेंड को दो लाइनों में ऐसे ही बता रही थी, तो आई थॉट मैं इसको भी सुनाती हूँ यहाँ पे, कि बातें सुनने सुनाने वाले तो बहुत मिलेंगे. बस इस दफ़ा किसी ऐसे को ढूंढ रही हूँ जो चुप्पी में मेरा साथ दे सके. ना वो कुछ बोले ना मैं कुछ बोलूं, और कुछ ना कहकर भी हम बहुत कुछ कह जाएं. थैंक यू सो मच. एंड थैंक यू देवेंद्र मैम एंड डॉली मैम फॉर क्रिएटिंग सच अ ब्यूटीफुल कम्युनिटी. आई एम ऑनर्ड टू बी हियर, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी. थैंक यू सो मच. सो मैं स्टार्टिंग करांगा एक शायरी बारे, जो कि जदों की कहते दिल टुट जाता है उन्होंने आस नहीं मैं अगले जन्म च मिला किमें. कहना दिल करता आ, दिल करता आ हड्डियां दा सुरमा बन, दिल करता आ हड्डियां दा सुरमा बन सजना दियां अखियां विच पै जावां. दिल करता आ हड्डियां दा सुरमा बन सजना दियां अखियां विच पै जावां. जौंदे जी उन्होंने गल ना नहीं लाउणा, जौंदे जी उन्होंने गल ना नहीं लाउणा. मरदे जी ही उन्होंने अखियां विच रह जावां, मरदे जी ही उन्होंने अखियां विच रह जावां. सो तुहानूं अगे सुनाउण जा रहा कुछ कु बोल माँ बारे. जदों जवान मुंडे हुंदे ने उन्हां दा विआह हो जांदा है, तां उस तो उपरंत माँ दा की हाल हुंदा है सुण के जरा. मैनू मेरी कलम ने हाक मारी जिसने उपरंत मैनू एक उपरंत ऑपरेशन पाया जो सी कि माँ दा मंजा अजकल बाहर कढाया, जो कि माँ दा मंजा अजकल बाहर कढाया.
ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਇਆ ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਆਂਸਰ ਦਿੱਤਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਵੀਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਇਆ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਵੀਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਇਆ ਜਿੰਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਹੰਡਾਇਆ ਜਿੰਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਖੰਡਾਇਆ ਜਿੰਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਿੰਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਿੰਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾਇਆ ਤੀਵੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗਵਾਇਆ ਤੀਵੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗਵਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੀਵੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੀਵੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗਵਾਇਆ ਸ਼ਰਮੋ ਸ਼ਰਮੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਸ਼ਰਮੋ ਸ਼ਰਮੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਟ ਵਟਾਇਆ ਸ਼ਰਮੋ ਸ਼ਰਮੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾਇਆ ਤੀਵੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗਵਾਇਆ ਤੀਵੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗਵਾਇਆ ਜੋ ਲਿਬਾਸ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਲਿਬਾਸ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਤੀਵੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਆ ਤੀਵੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗਵਾਇਆ ਤੀਵੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗਵਾਇਆ ਸੋ ਦਾ ਲਾਸਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਤਰ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਤਰ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਦੋ ਟਿੱਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਰਵਾਇਆ ਮਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਨਾ ਆਇਆ ਇਹ ਸੰਧੂ ਰੂੜੀਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਵੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਕਮ ਚਲਾਇਆ ਤੀਵੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗਵਾਇਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਪੋਇਟਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਜਨਮ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਪਰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਰਸਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ਼ਕੀ ਰੂਹਾਂ ਕਦੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਦੋ ਤਾਰਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ ਬਰੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਇਸ਼ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਪਾਇਆ ਕਦੇ ਪੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਪੋਇਟਰੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿਲ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਮਗਰੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਈਂ ਇਹ ਦਿਲ ਸੜ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਨਾ ਲਿਆਈਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਜਾਣਾ ਹੈ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਦਾ ਬੂਟਾ ਤੋੜ ਨਾ ਦੇਵੀਂ ਜੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਿਖਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੜ ਸੜ ਕੇ ਬਰੂਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਤੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਨਾਲ ਸੰਧੂ ਰੂੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖੇਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਹੈ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਅਨਪ੍ਰਿਪੇਅਰਡ ਹਾਂ ਬਟ ਸਟਿਲ ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ
टेल यू समथिंग कि जिहड़ा फैब है, वैसे मेरा बर्थडे होंगे फैब, पर मैं इंज लगता है कि जिन्हें भी साढ़े बचपन वाले जिहड़े मेरी एज दे वो समझणगे कि जगजीत सिंह, श्रीदेवी जो भी साढ़े फेवरेट्स होंगे, मैं इंज लगता जिस तरह फैब च ही चले जाते हैं। हुण भी पंकज सर, पंकज उदास, आई होप तुसी सारे उन्हां दी गज़ल सुन के वड्डे होए होवोगे। तो मैं लिखा सी उहदे वास्ते कि जितना छोटा है उतना ही बड़ा कमबख्त है ये फरवरी, जितना छोटा है उतना ही बड़ा कमबख्त है ये फरवरी, छीन लेता है सब हीरे मेरी बचपन की यादों के। थैंक यू सो मच। एक मैं गुरुद्वारे गई तो जो मैं हुण तुहानूं दसांगी, आई थिंक यू ऑल कैन रिलेट विद दैट, कि मैनूं बड़ा अजीब लगा उत्थे जाके कि वह बचपन वाली गल नहीं रहिंदी है। हुण बदल गईआं रुत्तां, जमाने बदल गए, बदल गईआं रुत्तां, जमाने बदल गए, हुण विआह चो संगदी शर्माउंदी वोटी नहीं मिलदी। बदल गईआं रुत्तां, जमाने बदल गए, हुण विआह चो संगदी शर्माउंदी वोटी नहीं मिलदी, सहमियां डरियां हुण बच्चे पढ़ाउंदियां, टीचरां दे हत्थां विच हुण सोटी नहीं मिलदी। मशीनां ने खा ले रुजगार कईआं दे, मशीनां ने खा ले रुजगार कईआं दे, बाकी गल्लां छड्डो हुण तां गुरु घरे वी लोह वाली रोटी नहीं मिलदी। थैंक यू सो मच। मैनूं इह चीज़ बड़ी फील हुंदी है, उहनां कोल प्रशादा मंगो, पुछो लोह वाला हैगा, तो कहिंदे नहीं जी लोह वाला नहीं हैगा। तो बचपन च बड़ा अच्छा लगता सी खा के लोह वाला। तो एक कई बार हुंदा है कि कोई ट्रैजडी इहो जी हो जाती है तुहाडे आसे पासे कि तुहानूं ज़्यादा डीपली टच करती है। तो एक रीसेंट डिमाइस होया किसी दा जिन्हें मैनूं बहुत ज़्यादा टच किया, उहदे लई मैं लिखिया सी कि प्यो घरां दा निघ ते मां नाल पेके हुंदे ने, प्यो घरां दा निघ ते मां नाल पेके हुंदे ने, कोई होर इहनां दी जगह लै लए इह सिर्फ भुलेखे हुंदे ने। अपने घर मौत मौत ते दूजे घर मौत तमाशा हुंदी है, खुशियां दी होंद वड्डियां दी होंद हर घर दा दिलासा हुंदी है, दोवां चों इक वी जी चला जाए तां घर टुट जांदे ने, हासे खेडे खुशियां सब पलां विच लुट जांदे ने, अपनियां जिम्मेवारियां अपने परिवार आप संभालण आपे, रब्बा सलामत रहण हर धी पुत दे मापे। थैंक यू सो मच। एक वैसे एक थॉट है रैंडम जिहा, जो मेरे दिल से उतर जाओगे तो किधर जाओगे, जो मेरे दिल से उतर जाओगे तो किधर जाओगे, जिंदा हो मेरे ख्यालों में मेरे तसव्वुर में मर जाओगे। इस कदर गुरूर करना भी अच्छा नहीं जनाब, इस कदर गुरूर करना भी अच्छा नहीं जनाब, ऐसे गुरूर को कंधे पर लेकर किस मुंह से उसके घर जाओगे, मेरी खैरियत इस कदर बेदखल कर देंगे अपनी ज़िंदगी से तुम्हें कि मेरी खैरियत मेरे हालात से भी बेखबर जाओगे, जो मेरे दिल से उतर जाओगे तो किधर जाओगे। थैंक यू। एक वुमेन्स डे निकलिया है तो उहदे वास्ते मैं थोड़ा जा लिखिया सी कि जो ये पूछते हैं कि वॉट डू वुमेन वॉन्ट, जो ये पूछते हैं कि वॉट डू वुमेन वॉन्ट, और एक मोटी सी खाली पन्नों की किताब तुम्हारे आगे रख देते हैं, मेरी ये कविता जवाब है उनके लिए, मेरी ये कविता जवाब है उनके लिए कि जानना चाहते हो कि असल में क्या चाहती है औरत, बस थोड़ा सा प्यार और थोड़ी सी इज्जत, अपने सपनों के लिए मुलायम से पंख और अपनी हिफाजत के लिए मजबूत से कंधे, मगर इतने ऊंचे नहीं जिन पे वो सिर रखकर रो भी ना सके, इतने ऊंचे कंधे नहीं जिन पर वो सिर रखकर रो भी ना सके, और ना ही उसे चाहिए मर्दानगी के दंभ से फूली वो छाती जिस पर वो सुकून से दो पल सो भी ना सके। थैंक यू। वो चाहती है वो कान जो सुन सकें उसकी बात बिना तोले, वो आंखें जो पढ़ लें उसकी आंखों का दर्द बिना बोले, कोई ऐसा जो उसे दिल की गहराइयों तक समझता हो, कोई ऐसा जो उसके लिए सबसे उलझता हो। हर बार हर व्यंग्य का हिस्सा नहीं बनना चाहती है वो, हर बात पर बार बार इजाजत नहीं लेना चाहती है वो, तंग आ चुकी है अपने नाम की गालियां सुन सुनकर, तंग आ चुकी है अपने नाम की गालियां सुन सुनकर, हर जगह खुद पर हुए उपहास की तालियां सुन सुनकर, इज्जत कर नहीं सकते अगर तुम अपने घर की औरत की, तो फिर क्या चार लोगों में दुहाई देते हो अपनी इज्जत की। थैंक यू। उस मोटी सी किताब में लिख दो कोई जाकर कि औरत को सिर्फ इज्जत चाहिए, खुद को तुम पर लुटाने की बस सिर्फ इतनी सी कीमत चाहिए कि कभी पास बिठाकर पूछ लेना कि कैसी हो, दिन कैसा था,
कभी पास बिठाकर पूछ लेना कि कैसी हो, दिन कैसा था, झूम उठेगी खुशी से वो अच्छा बुरा जैसा भी था। उन दो पलों का फिर उस पर हुआ असर देखना, उन दो पलों का फिर उस पर हुआ असर देखना, उसे एक दिन हंसकर दिन में एक बार बात तो करके देखना। घर में इज्जत और बाहर एक महफूज सा माहौल, आज भी महज ये बस ख्वाब है उसके लिए। जो ये पूछते हैं ना कि व्हाट डू वुमेन वांट, ये कविता मेरा जवाब है उनके लिए। थैंक यू। एक लास्ट, कई बार होंगे कई यादा थानू बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिंदियां ने, ते ओदे वास्ते मैं लिखा सी कि खुला छोड़ दो इनको तो आंखें भिगो देती हैं, खुला छोड़ दो इनको तो आंखें भिगो देती हैं, बस अब आज से इन यादों का बाहर निकलना बंद। थैंक यू सो मच। तो मेरा नाम राधे ठाकुर, ठीक है, पेशे से मैं फिल्म मेकर हूँ, शौक से थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, अगर पसंद आएगा तो तालियां मार देना, ठीक है, मतलब बजा देना। तो मैंने ना आज के परफॉर्मेंस को लिखा है दास्तां मलंग इश्क, मतलब पहले इश्क हुआ, फिर थोड़ा सा डाउट आया, फिर कोशिश की बचाने की, फिर अब इस मुकाम पर पहुँच गया कि ना इश्क चाहिए ना कुछ भी नहीं चाहिए। तो शुरू करते हैं, ढूंढते हैं पहले लिखा कहाँ था मैंने। हाँ जी, कि जब वो हल्की सी मुस्कुराए, जब वो हल्की सी मुस्कुराकर तुम्हें देखे तो इश्क कहना, उसे देखकर जब भी तेरी धड़कन बढ़े तो इश्क कहना, कि जब भी वो हल्की सी देखकर तुम्हें मुस्कुराए तो इश्क कहना, और उसे देखकर जब भी तुम्हारी धड़कन बढ़े तो इश्क कहना। तुम्हारे दिए हुए झुमके, तुम्हारे दिए हुए झुमके पहन जब वो घूमे तो इश्क कहना। इजहारे इश्क तो सब कहकर कर देते हैं, कि इजहारे इश्क तो सब कहकर कर देते हैं, जब वो तुम्हें चांद देखने को कहे तो इश्क कहना, कि जब वो तुम्हें चांद देखने को कहे तो इश्क कहना। इश्क कहना जब वो कहे चांद देखा तुमने, कि इश्क कहना जब वो कहे चांद देखा तुमने, इश्क कहना जब तुम्हें उसी में चांद दिखे, कि इश्क कहना जब तुम्हें उसी में चांद दिखे। उसके हर एक सवालों को इश्क कहना, उसकी हर एक शिकायत को इश्क कहना, उसकी हर एक मुस्कुराहट को इश्क कहना, और उसके हर एक आंसू को इश्क कहना। ये दौर था जी, इश्क जब हुआ तो लिख दिया, जैसे वो कन्या ने बात करी थी सिचुएशनशिप की, बेंचिंग की, तो हम थोड़े ओल्ड स्कूल मोहब्बत वाले हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इश्क तो हो गया, फिर अब नाराजगी हुई है ना, थोड़ा डाउट्स आए, तो उस पर लिखा कि इस कदर नाराजगी जताऊंगा तुमसे, कि इस कदर नाराजगी जताऊंगा तुमसे, तुम्हें देखकर चेहरे पर आती है जो चेहरे पर मुस्कुराहट, कि इस कदर नाराजगी जताऊंगा तुमसे, तुम्हें देखकर चेहरे पर आती है मुस्कुराहट, उसे छुपाऊंगा तुमसे, मन होने पर भी नजरें ना मिलाऊंगा तुमसे, कि मन होने पर भी नजरें ना मिलाऊंगा तुमसे, जो देखे थे हम दोनों ने मिलकर ख्वाब, कि जो देखे थे हम दोनों ने मिलकर ख्वाब, उसे मुकम्मल करके बिछड़ जाऊंगा तुमसे, कि इस कदर नाराजगी जताऊंगा तुमसे। तो जी अब डाउट भी आ गया तो नाराजगी भी जता दी, तो मैंने तो सोचा था कि वो मनाएगी, बट नहीं, वो बिछड़ के चली गई, ठीक है। तो अब क्या हुआ, कोशिश रही कि आखिरी बार उसे रोकने की, तो उसके लिए थोड़ा सा लिखा, दादा दानिश भाई गौर फरमाओ यार, कि तेरा इश्क ना बन सका तो क्या हुआ, कि तेरा इश्क ना बन सका तो क्या हुआ, तेरा आशिक बनने से मुझे कोई रोके तो रोक ले, तेरे मर्ज की दवा मैं बन ना सका तो क्या हुआ, कि तेरे मर्ज की मैं दवा बन ना सका तो क्या हुआ, तेरे सारे दर्द लेने से मुझे कोई रोके तो रोक ले। कि तेरी महफिल में मेरा जिक्र ना हुआ तो क्या हुआ, कि तेरी महफिल में मेरा जिक्र ना हुआ तो क्या हुआ, मुझे तेरे बारे में जिक्र करने से कोई रोके तो रोक ले। कि अगर चल ना सका तेरा हम सफर बनकर तेरे साथ जो, कि चल ना सका तेरा हम सफर बनकर तेरे साथ जो,
मुझे तेरा साया बनने से कोई रोके तो रोक ले। कि तुम ना हो सके मेरे तो क्या हुआ, कि तुम ना हो सके मेरे तो क्या हुआ, मुझे तेरा होने से कोई रोके तो रोक ले। आखिरी में लिखता हूं कि वो नहीं पढ़ते होंगे हमारे लिखे हुए जज्बातों को, कि वो नहीं पढ़ते होंगे हमारे लिखे हुए जज्बातों को, मुझे उसके बारे में लिखने से कोई रोके तो रोक ले। तो जी अब कोशिश भी कर ली, फिर उसके बाद ना अकेलापन आता है, इंसान ढूंढता वो कोना, वो शख्स की कोई सुने कोई समझे। पर जब आपका ना इश्क बिखर जाता है ना, तो बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनको कोई कंधा मिल जाए, और कंधा भी पॉजिटिव, ये ना हो कि वो अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हो। ठीक है, तो हमें तो नहीं मिला, एक तो भाई ने जैसा कहा रंग नहीं ऐसा, ठीक है ना। तो इस ये जो लिखा है ना आखिरी पीस, ये मतलब कोई कोई सोचता है, तो लिखा कुछ ऐसा है कि मरने से पहले एक हसरत है मेरी, कि मरने से पहले एक हसरत है मेरी कि कोई हो जो टूट कर प्यार करे मुझसे, कि मरने से पहले एक हसरत है मेरी कि कोई हो जो टूट कर प्यार करे मुझसे और मैं तोड़ूं दिल उसका, कि मैं तोड़ूं दिल उसका, वो लगाए तोहमत मुझ पर बेवफाई की, कि वो लगाए मुझ पर तोहमत बेवफाई की और मैं कहलाऊं बेईमान सनम उसका। है ना, है तो है, ठीक है अब है तो है, जब दिल उसने तोड़ा तो हम भी तोड़ने का हक रखते हैं ना। माफी मैम, आप फिर लड़ते कोई नहीं, ठीक है, कहां था बुला दिया यार मुझे, है ना सच में बुला दिया, वापस वापस आता हूं, कहां था यार, रुक जाओ। हाँ, स्टार्टिंग से, कि मरने से पहले एक हसरत है मेरी कि कोई हो जो टूट कर प्यार करे मुझसे और मैं तोड़ूं दिल उसका, वो लगाए मुझ पर तोहमत बेवफाई की, वो लगाए मुझ पर तोहमत बेवफाई की, मैं कहलाऊं बेईमान सनम उसका, वो रातों को रोए मेरी यादों में छुप छुप कर, कि वो भी रातों को रोए मेरी यादों में छुप छुप कर और मैं बेफिक्रा सा सो जाऊं, कि मैं बेफिक्रा सा सो जाऊं। फिर से बुला दिया मैम, देखी सी उस तरह अरे तू रुक, ठीक है, तो आखिरी बार देख ही लेता हूँ यार मैं क्या था। हाँ हाँ, लाते कापरी स्टेज का मुझे पता नहीं लग रहा कि वो कहे चिल्ला चिल्ला कर कि मैं सिर्फ तेरा हूं, कि वो कहे चिल्ला चिल्ला कर कि मैं सिर्फ तेरा हूं और मैं कहूं कि मुझसे बेहतर तुझे कोई मिल जाए, कि एक हसरत है मेरी कि कोई टूट कर प्यार करे मुझसे और मैं तोड़ूं दिल इसका। और आप सुन रहे थे दिल से मलंग राधे ठाकुर के संग आज मलंग इवनिंग वाली मलंग गपशप, और इसी के साथ बने रहिए। और थैंक्स कहना चाहूंगा मैं टाइमलेस अमृत सर का, सर का, मैम का और सन्नी सर का, जो इतना बढ़िया एटमोसफेयर हमें दिया, क्योंकि अमृत सर में ना ये एटमोसफेयर काफी सालों से ढूंढ रहा था, तो मिलता नहीं तो मैं दिल्ली चला जाता था, ठीक है, मुंबई चला जाता था काम करने, इसके लिए नहीं ठीक है। तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं 1 अप्रैल से अपनी कहानियां सुनाने वाला हूँ जैसे नीलेश मिश्रा सर सुनाते हैं, तो अगर कहानियां सुनने का शौक रखते हैं दिल से मलंग इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर मुझे फॉलो कीजिए। शुक्रिया, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। जरा गौर फरमाइएगा, अक्सर खो देते हैं हम वजूद अपना उन्हें अहमियत देते देते, अक्सर खो देते हैं हम वजूद अपना उन्हें अहमियत देते देते, वरना लोग जानते हमें भी थे उनसे मिलने से पहले। तो शुरुआत करूंगी, जब किसी को किसी से शिकायतें बढ़ जाती हैं, यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन, मैं पर्टिकुलरली जैसे कशिश सर ने बोला था लड़की पे लिखती हूँ, इट इज़ फॉर बोथ जेंडर, चाहे मेरा कन्वर्सेशन लड़की का होता है। क्या कहूँ कि अब तुम्हें मुझसे शिकायतें बहुत हैं, क्या कहूँ कि अब तुम्हें मुझसे शिकायतें बहुत हैं, जवाब में अक्सर मैं अपने ही वजूद पे शक किया करती हूँ। आंसू बहा बहा कर मोतियों को शायद पानी कर लिया है, आंसू बहा बहा कर मोतियों को शायद पानी कर लिया है, फिर भी जाने क्यों रोज एक नया सैलाब किया करती हूँ। बिखरी भी क्या कभी पूरी तरह समेटी जा सकती हैं चीज़ें, बिखरी भी क्या कभी समेटी जा सकती हैं चीज़ें, अपना बिखरा रिश्ता समेटने की कोशिश हर रोज़ किया करती हूँ। किताबों में ख्वाबों सा सजाया प्यार लुभाता है आज भी,
किताबों में सजाया प्यार लुभाता है आज भी, परी बनूं मैं और उस में बने तुम राजकुमार, ये ख्वाहिश मुसलसल किया करती हूँ। शुक्रिया। क्या पूर्ण हो पाया है आज तो कोई उस खुदा के सिवा, क्या पूर्ण हो पाया है कोई उस खुदा के सिवा, तुम्हारी उम्मीदों के सांचे में ढलने की कोशिश तमाम किया करती हूँ। मरने से पहले एक बार तुम्हें अपना अंतर्मन जख्मी दिखा सकूं, इस अभिलाषा पर झूठी मुस्कान का पर्दा हर रोज किया करती हूँ, हर रोज किया करती हूँ। शुक्रिया। अगली कहना चाहूंगी पोएट्री, सवाल बहुत थे, सवाल बहुत थे पर जवाब कहाँ से लाऊं, जो हकीकत पर करवाए वो इतबार कहाँ से लाऊं, लौट कर आना उसका एक बार काश सच हो जाए, लौट कर आना उसका एक बार काश सच हो जाए, जो पूरी हो तमन्ना तो वो धागा कहाँ से लाऊं, जाग कर कट जाती है रात सोच में ही उसकी, रात जग कर ही कट जाती है सोच में उसकी, जो नींद लौटा दे मेरी वो ख्वाब कहाँ से लाऊं, क्या अधूरा था जो हम पूरे ना हो सके, क्या अधूरा था जो हम पूरे ना हो सके, जो मुकम्मल हो सके दोनों वो लकीरें कहाँ से लाऊं, भुला देना मुझे, भुला देना मुझे आसान था उसके लिए बहुत शायद, जो उसे याद आऊं मैं वो शख्सियत कहाँ से लाऊं, हर वक्त नोचते हैं अंदर ही अंदर बहुत से ख्यालात मुझे, हर वक्त नोचते हैं अंदर बहुत ही मुझे ख्यालात मुझे, जो सुकून दे मुझे वो मैं पल कहाँ से लाऊं, वो मैं पल कहाँ से लाऊं। और जाते जाते एक शेर फिर से कहूँगी, जाने कितनी हसरतें दफन कर दी हैं एक तेरे वक्त के इंतज़ार में, जाने कितनी हसरतें दफन कर दी हैं मैंने तेरे वक्त के इंतज़ार में, काश कि ना आते हम इस मोहब्बत के बाज़ार में। शुक्रिया। मैं सोच रही सी लाइक यू नो तुम उस एज उस टाइम पर आना जो तुम हर एक चीज़ को क्वेश्चन करते हो, और वो वाले क्वेश्चन जिदा आंसर एग्जिस्ट करता नहीं है, लाइक जरा एग्जिस्ट भी करता हर वास्ते डिफरेंट होंगे, लाइक यू नो वट इज़ लाइफ, यू नो तुम कितने हो, तुम कितने जा रहे हो एंड एवरीथिंग, तो वो बेसिस पर लिखी सी। आई वॉज वंस आस्क्ड वट इज़ लव, माई ब्रेन फ्रोज एंड आई कुडंट फॉर्म अ सिंगल सेंटेंस, एंड मे बी इट्स अ क्वेश्चन वी कैंट एग्जैक्टली आंसर, because to define is to limit. And what is love? What is life? You live so you love. You love because you live. I am made of every verse I ever read. I am made of all the places I fell in love with. I am made of all the people I love. The days I live like my path is gold. The nights I wail because I can't see it anymore. My days are ruled by delusions. At 12 a.m. they fade away and I pace like a madman, trying to make myself believe they were real. I'm alive, yes, yet I'm haunting the one alive yesterday. What is life if not uncertainty? What is life if it doesn't let you romanticize death? What is life if it doesn't let you breathe once in a while? What is life the one you beg to when others are at mercy of death? If love and hate are the same words, I hate you, life. If love and hate are the same words, I love you, life. ते एक होर इतना मैं कोट जड़ी पिछली पोएट्री विच वीक लाइन सीगी, टू डिफाइन इज टू लिमिट, एक पोएट है ऑस्कर वाइल्ड जिन्हें लिखी सी कि जो तुम किसी भी चीज़ को डिफाइन करोगे ना तो उसे लिमिट कर दो, लाइक देर इज़ नो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट एनी मोर, ते उदे बेसिस तो थोड़ी जी What are you? I don't know. I don't know this life. I don't know this world. I don't know this flesh. I don't know this path, this ground that I walk on. I don't know myself, yet I understand my depths, my layers, my soul. It screams when I try to define it. It feels caged, shackled by explanations. For it wishes to flow an untamed ocean. To define is to limit, and our limit doesn't exist, for I was born a human capable of creating life and witnessing its endless endeavors. I can't define who I am, for it leaves no room for improvement. I don't know myself, yet I understand my depths, my layers, my souls. Thank you.